प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए लीक से हटकर सोचने और समग्र दृष्टिकोण अपनाने का किया आह्वान। अधिकारियों से आकांक्षी जिलों के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। पीजीटी शिक्षकों के लिए अब 1 नवंबर तक जमा होगा आवेदन। रिजर्व सीट पर नियुक्ति के लिए भी राज्य से मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होना जरूरी। लोहरदगा में आदिवासी महिला से दुष्कर्म मामले में डीजीपी नीरज सिन्हा ने डीआईजी से मांगी रिपोर्ट। दोनों आरोपी जवान गिरफ्तार। और 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए स्टेडियम में होने वाले वनडे मैच के लिए टिकटों की बिक्री जारी। आज पहुंचेंगी दोनों टीमें रांची। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशासनिक अधिकारियों से एक जिला एक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने के हुए अपने जिले के उत्पाद के निर्यात के अवसर तलाशने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से आकांक्षी जिलों के और विकास के लिए अपनी कार्य योजना तैयार करने को भी कहा है। कल नई दिल्ली में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2020 बैच के अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों को अमृतकाल में देश की सेवा करने और पंच प्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर मिला है। अमृतकाल में विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने में प्रशासनिक अधिकारियों की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने लीक से हटकर सोचने और समग्र दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर बल दिया। निर्वाचन आयोग आज से मतदाताओं के लिए वर्ष भर चलने वाला जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रहा है। मतदाता जंक्शन नाम से इस कार्यक्रम का प्रसारण 52 कड़ियों में आकाशवाणी से किया जाएगा। 15 मिनट का यह साप्ताहिक कार्यक्रम हर शुक्रवार को शाम 7 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी के विविध भारती, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड और अन्य प्रमुख चैनलों से प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम देश भर में 23 भाषाओं में उपलब्ध होगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी की निंदा की है। श्री मुंडा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता द्वारा राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी निंदनीय है। और इस तरह के बयान देकर के मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेता अपने खोखलेपन का सबूत दे रहे हैं। एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है जो कांग्रेस ने कभी इस विषय पर नहीं सोचा, कभी नहीं किया। अब जब हुआ है तो इसकी तारीफ करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए और मानना चाहिए कि यह अवसर मिला है। आप जानते हैं इसके पहले राष्ट्रपति बने, अभी बने, तो यह एक सामाजिक समरसता के दृष्टि से भी और देश के आंतरिक लोकतंत्र मजबूत हो इसके दृष्टि से भी एक बहुत ही साहसिक फैसला एनडीए के फोल्ड से लिया गया। कर्मचारी चयन आयोग जेएससी ने प्लस टू हाई स्कूलों में स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में स्पष्ट किया है कि पूर्व में कार्यरत हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित 25% पदों पर नियुक्ति के लिए भी आवेदक का झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। जेएससी ने कहा है कि प्लस टू हाई स्कूलों में पीजी शिक्षकों में के 75% पदों पर सीधी भर्ती होना है। वहीं 25% पद पर न्यूनतम 3 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 1 नवंबर तक कर दिया गया है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,997 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,908 कोरोनावीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। देश में फिलहाल कोरोना के 30,362 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामले में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक नए मरीज की पहचान की गई, जबकि 2 मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल की। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोविड के 14 मरीज सक्रिय हैं।
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,18,88,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हरियाणा स्थित एक भारतीय दवा कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए सर्दी और खांसी के 4 सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। संगठन ने पश्चिमी अफ्रीकी देश गाबिया में 66 बच्चों की मौत के लिए कंपनी में बनाए गए कफ सिरप को जिम्मेदार ठहराया है। अलर्ट के बाद भारत के औषधि नियामक निकाय ने जांच शुरू करने के साथ ही WHO से इस बारे में और ब्यौरा मांगा है। इधर इस अलर्ट के बाद राज्य औषधिक निदेशालय ने झारखंड में भी इसके उपयोग की जांच का आदेश दिया है। सिरप को बनाने का लाइसेंस केवल निर्यात के लिए मिला है। कंपनी ने केवल गाम्बिया को इन सिरप का निर्यात किया है, भारत में इन सिरप को नहीं बेचा गया है। साथ ही एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तहत आयात करने वाला देश उपयोग में लाए जाने से पहले आयात किए गए प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच करता है। CDSCO ने जांच के दायरे में शामिल सभी 4 दवाओं के नमूने ले लिए हैं और उन्हें चंडीगढ़ स्थित रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैब भेजा गया है। लैब में जांच के बाद मामले में स्पष्टता आएगी और आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। देश में काफी समय से लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि देश में लगभग 6,08,000 से अधिक उपभोक्ता मामले लंबित हैं। कि देश में लगभग 6,08,000 से उपभोक्ता मामले लंबित हैं और मंत्रालय ने कहा है कि लोक अदालत व्यवस्था और आपसी समझौते से मामले सुलझाने का लाभ देखते हुए ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता मामलों का निपटारा संभव हो पाएगा। उपभोक्ता कार्य विभाग SMS या ईमेल के जरिए उपभोक्ताओं, कंपनियों और संस्थाओं तक पहुंच बना रहे हैं। ऐसे 3,00,000 पक्षकारों के फोन नंबर या ईमेल विभाग के पास है जिनके मामले आयोग में लंबित हैं। बीमा क्षेत्र के 1,68,000, बैंकिंग से जुड़े 71,000, बिजली विभाग के 33,000, रेलवे के 2,000 और ई कॉमर्स के 1,000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। विभाग का लक्ष्य उपभोक्ताओं को निष्पक्ष और दक्ष शिकायत निपटारा प्रणाली मुहैया कराते हुए उपभोक्ताओं को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक 17 से 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगी। बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक के बारे में कल जानकारी दी। So solar is the answer. Distributed mini grids are the answer. And if the world is actually serious about energy transition, then this, the International Solar Alliance, is the answer. What we bring to the International Solar Alliance and what the International Solar Alliance makes available to all the member countries, especially the member countries which have the problems of access to energy and the problems relating to transition, is that it houses a body of experts. लोहरदगा जिले में एक आदिवासी महिला से दुष्कर्म मामले में पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने DIG से रिपोर्ट मांगी है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने IRB के दोनों आरोपी जवानों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि दोनों जवानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गांव का एक महिला का द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती हुई और उन्होंने महिला थाना प्रभारी के समक्ष बताया गया कि लाइक 4-10 पर 4th अक्टूबर पर उनके साथ खेत पे दो जवानों द्वारा मारपीट और बलात्कार कर की गई है। इस संबंध में पहले इनिशियल हम लोग रेस्पॉन्स में त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट ले लिया और बेहतर इलाज है तो रिम्स रांची हम लोग रेफर करके उन लोग रिम्स रांची पहुंचे थे और उनको
अभी कंडीशन स्टेबल है। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज रांची पहुंचेंगे। जेएससीए स्टेडियम में होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से 4 आईपीएस अफसरों को जिम्मेवारी दी गई है। ये अधिकारी रांची के सीनियर एसपी से कोऑर्डिनेट कर सुरक्षा की मॉनिटरिंग करेंगे। का जो क्रिकेट मैच है उसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। एडिशनल डीवाईएसपी, एडिशनल जो सबॉर्डिनेट रैंक के ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, एएसआईज हैं, ये भी हम लोगों को अपने जिला बल से भी हम लोग लगा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों को मुख्यालय के द्वारा भी उपलब्ध कराया गया है, उन सबों की डिप्लॉयमेंट की जा रही है। इसके अलावा किसी भी अप्रिय स्थिति या जो कहें कि जब क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, कई बार प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जब मैच पीक आवर्स में अपने होता है, तब तो उसको ध्यान में रखते हुए अलग से क्यूआरटीज भी रखी जा रही हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच को लेकर टिकटों की बिक्री आज दूसरे दिन भी जारी है। क्रिकेट प्रेमी सुबह से ही टिकट काउंटर पर पंक्तिबद्ध होकर टिकट का इंतजार करते दिखे। हालांकि एक व्यक्ति को एक साथ 3 टिकट मिलने से कई लोगों में मायूसी देखी गई। इधर खेल को लेकर खेल प्रेमियों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 9 रनों से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 40 ओवर में 4 विकेट पर 249 रन बनाए थे। जवाब में भारत 8 विकेट पर 240 रन ही बना सका। 249 रन बनाए थे। डेविड मिलर 63 गेंदों में 75 रन और हेनरिक क्लासेन 65 गेंदों में 74 रन बनाकर नाबाद रहे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम निर्धारित 40 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 240 रन ही बना सकी। संजू सैमसन ने 63 गेंदों में 86 रनों की पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर ने 50 रन बनाए। इस मुकाबले में हेनरिक क्लासेन को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पिछले मैचों में नए खिलाड़ियों को मौका देने के बावजूद आसान जीत दर्ज कराने वाला भारत महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान के खिलाफ विजय अभियान जारी रखने के लिए उतरेगा। अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। अब तक सभी मैचों में जीत दर्ज कर चुकी भारतीय टीम अंक तालिका में शीर्ष पर है। वहीं पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें से इसे 2 में जीत हासिल हुई है। ऐसे में दोनों मैच टीमों के बीच होने वाला आज का मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं एथलेटिक्स में सपना कुमारी ने 100 मीटर हर्डल में कांस्य पदक जीता। लॉन बॉल के पुरुष एकल में सुनील बहादुर ने बंगाल को 21-6 से हराकर स्वर्ण जीता। बैडमिंटन का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया, तो वहीं पुरुष वर्ग का खिताब साई प्रणीत के नाम रहा। तैराकी में एक बार फिर माना पटेल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो सर्विसेज के खिलाड़ी 41 स्वर्ण सहित कुल 96 पदकों के साथ शीर्ष पायदान पर कायम है। वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा है, जिसने अब तक 29 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं, जबकि महाराष्ट्र 24 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे पायदान पर है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल से लॉन बॉल को एक नई पहचान मिली है। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेल में भी लॉन बॉल की प्रतियोगिता हुई। इसमें भाग ले रही महिला खिलाड़ियों में माना है कि देश में तेजी से लॉन बॉल की स्थिति में बदलाव देखा जा रहा है। तस्वीर ने देश में लॉन बॉल के खेल की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है। अब देश में इस खेल के प्रति जागरूकता पहले से कहीं ज्यादा है और सामान्य तौर पर लोग इस खेल को गंभीरता से भी ले रहे हैं। लॉन बॉल में भारत के लिए इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम में शामिल रूपारानी तिर्की कुछ इस तरह से इसकी लोकप्रियता को सामने रखती हैं।
गोल्ड मेडल जीतने के बाद जो हम वुमेन्स ने मैच जीता उसके बाद लोगों का नजरिया इस गेम के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ। गूगल्स में बहुत सारे लोगों ने इस गेम को सर्च किया, उसके बाद जो प्राथमिकता नहीं मिलती थी इस गेम को, लोग जानते नहीं थे, वो जानने लगे। बहुत सारे जगह से मैसेजेस आ रहे हैं कि ये इसका ग्राउंड कहाँ अवेलेबल है, हम कैसे खेल सकते हैं, इसमें क्या होता है रूल्स रेगुलेशन, तो मतलब बहुत लोगों का रुझान इस गेम के ऊपर आया है। इस खेल के प्रति सोच में बदलाव की बयार बहाने वाली लवली चौबे, नयन मोनी सेकिया, पिंकी और रूपा रानी टिर्की खुश हैं कि जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा वो अब इस खेल में आने वाली पीढ़ी को नहीं करना पड़ेगा। इन सबके मुताबिक राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने इस खेल को देश में जमीनी स्तर पर मजबूती दी है। आई एम वेरी हैप्पी कि जो ये नेशनल गेम्स हुए हैं, मोदी गवर्नमेंट ने जो ये किया है, मोदी जी ने कि यहाँ पर नेशनल्स करवाया, और मैंने ये देखा इतने मोटिवेट हुए यहाँ के लोग कि वो लोग कह रहे हैं कि हम राजकोट में बनवाएंगे एक दिन हम ये, और यही हमें चाहिए, हम प्लेयर्स को भी यही चाहिए कि हर एक स्टेट में हो, क्योंकि जितनी स्टेट खेलेगी उतना टैलेंट आएगा, जितना टैलेंट आएगा उतना पॉलिश होगा, और हमारे CWG में जो हमने क्रिएट करी है हिस्ट्री वो कंटिन्यूशन में रहेगी। इतना तो तय है कि ये खेल अब लोगों के लिए अनजान नहीं रहा, और आने वाले समय में इस तस्वीर में कामयाबी के रंग इस खेल को लोगों के बीच और भी ज्यादा लोकप्रिय करेंगे। किसी भी खेल के विकास के लिए उसमें मेडल आना बहुत जरूरी है, और देश में ये बात लॉन बॉल पर पूरी तरह से फिट बैठ रही है, क्योंकि लॉन बॉल के खेल में CWG में जिस तरह से मेडल आया उसके बाद इस खेल को लेकर के देश में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सब के बीच में एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो है वो निकल करके सामने आ रही है। इन महिलाओं का इरादा अब विश्व चैंपियनशिप में अपनी कामयाबी का डंका बजाने पर है, तो जाहिर तौर पर लॉन बॉल का खेल देश में एक नई करवट ले रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज। राजधानी रांची में आज सवेरे से ही मौसम सुहाना रहा और बारिश से लोगों को राहत मिली। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 6 दिनों तक कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। देवघर में सर्वाधिक 33.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें सुझाव भेजे जा सकते हैं जिन्हें वो अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लोग अपने विचार नमो ऐप और MyGOV.open forum पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। देश में आज एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों और CDS ने राष्ट्रीय स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की, और ये सीधी तस्वीरें
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News Jharkhand और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कारोबारी नियमों में कई बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाने की तैयारियों में जुट गई है। कुछ दिनों पहले इसकी पुष्टि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी की थी। अगर ऐसा होता है तो छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स को सरकारी बाबुओं से निपटने के लिए लाइसेंसिंग अधिकारी नहीं रखना होगा। वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाने में सैकड़ों ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है जिनकी अवहेलना पर उद्यमियों को जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए 100 से अधिक श्रमिकों वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाले उद्यमी सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली चूक से निपटने के लिए सालाना 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर लाइसेंसिंग अधिकारी रखते हैं ताकि उनकी यूनिट बिना किसी बाधा के चलती रहे। केंद्र सरकार की ओर से 14 राज्यों को 7000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया है। राज्यों को कुल 86000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त किया। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं गुजरात का। गुजरात एक सुंदर और अनोखा राज्य जो अपनी खूबसूरती से किसी का भी मन मोह लेता है। वैसे तो गुजरात में कई खूबसूरत पर्यटक स्थल है, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात ही निराली है। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के पास बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस प्रतिमा को विश्व के सबसे बड़े स्टैचू का दर्जा प्राप्त है। मूर्ति की लंबाई 182 मीटर है और यह इतनी बड़ी है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। प्रतिमा की सबसे आकर्षक चीज उसमें लगाई गई लिफ्ट है। स्टैचू के अंदर 2 हाई स्पीड लिफ्ट लगी है जिससे पर्यटक प्रतिमा के छाती के हिस्से के पास बने झरोखों से नर्मदा नदी के शांत पानी के साथ पहाड़ों और जंगलों से घिरे सरदार सरोवर डैम के नजारे को निहार सकते हैं। इस प्रतिमा के आसपास फूलों का गार्डन भी है जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स नाम दिया गया है। यहाँ पर आने वाले सैलानी साल भर रंग बिरंगे फूलों के नजारों का आनंद उठा सकते हैं। वहीं सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी कई चीजों को रखने के लिए प्रतिमा के नीचे एक म्यूजियम बनाया गया है जहां सरदार पटेल के जन्म से लेकर लौह पुरुष बनने तक की यात्रा, व्यक्तिगत जिंदगी और गुजरात से उनके जुड़ाव को महसूस किया जा सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के दीदार का आनंद सिर्फ दिन में नहीं बल्कि शाम को अंधेरे में भी लिया जा सकता है, क्योंकि मूर्ति के लिए लेजर लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। ये भव्य प्रतिमा देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए उत्सुकता और आकर्षण का केंद्र माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और मध्याह्न भोजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी प्रयास का नतीजा है कि रांची जिले के इटकी प्रखंड का एक विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। रांची जिले के इटकी प्रखंड अंतर्गत बारीडीह स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय अन्य सरकारी विद्यालयों से बिल्कुल जुदा है। किसी निजी विद्यालय की तरह इस स्कूल में बच्चे स्मार्ट क्लास में मन लगाकर पढ़ाई करते आपको आसानी से दिख सकते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल विजय बहादुर सिंह बताते हैं कि स्वच्छ माहौल में बच्चों को पढ़ाने के साथ उनके मध्याह्न भोजन की भी मुकम्मल व्यवस्था रहती है।
और साथ साथ बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए एमडीएम के स्तर को भी काफ़ी अच्छा रखा जा रहा है। मेनू के अनुसार उनको एमडीएम उपलब्ध कराया जाता है और सोमवार और शुक्रवार को 2 दिन अंडा अवश्य उपलब्ध कराया जाता है कि जिससे बच्चे विद्यालय जुड़े उनको अच्छे पोषण मिले और जिससे उनको पढ़ाई में मन लगे। स्कूल की शिक्षिका पायल कुमारी बताती हैं कि स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हो जाने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि देखने को मिलती है। वह कहती हैं कि बच्चे किसी भी विषय को उत्साह और उमंग के साथ स्मार्ट क्लास के जरिए अब समझने लगे हैं। और हम लोग पहले बोर्ड में पढ़ते थे, पर अब स्मार्ट टीवी, मेरा स्कूल में अब स्मार्ट टीवी आ गया है, अब उसमें पढ़ते हैं। विद्यालय में स्वस्थ माहौल मिलने से बच्चों पर अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है। यही कारण है कि बारीडीह 5 टोलों के लगभग 200 बच्चे यहाँ हर दिन पढ़ाई करने के लिए उपस्थित रहते हैं। आजकल स्मार्ट टीवी आ गया है, सर खरीद दिए हैं और हमें पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। एक समय था जब नामांकन होने के बावजूद बच्चे विद्यालय में अनुपस्थित रहते थे। बाद में व्यवस्था में बदलाव के साथ विद्यालय के प्रिंसिपल और शिक्षकों के सामूहिक प्रयास का फल है कि बच्चे अब स्कूल से जुड़ने लगे हैं और पढ़ाई लिखाई ने रफ्तार पकड़ ली है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए लीक से हटकर सोचने और समग्र दृष्टिकोण अपनाने का किया आह्वान। अधिकारियों से आकांक्षी जिलों के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। पीजीटी शिक्षकों के लिए अब 1 नवंबर तक जमा होगा आवेदन। रिजर्व सीट पर नियुक्ति के लिए भी राज्य से मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होना जरूरी। लोहरदगा में आदिवासी महिला से दुष्कर्म मामले में डीजीपी नीरज सिन्हा ने डीआईजी से मांगी रिपोर्ट। दोनों आरोपी जवान गिरफ्तार। और 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए मैदान में होने वाले वनडे मैच के लिए टिकटों की बिक्री जारी। आज पहुंचेंगी दोनों टीमें रांची। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त।